कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड दतिया लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। बता दें कि भिंड पहुंचे सिंधिया ने सभा के बाद मीडिया से रूबरू होकर बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार जनता के आदेश पर स्थायी रहेगी और प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी के सपने पूरे नहीं हो सकेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता के आदेश पर स्थायी थी, स्थायी है और स्थायी रहेगी और भाजपा के हसीन सपने कभी सत्य में परिवर्तन नहीं कि वो अपना पक्ष जनता के समक्ष रखें। मेरी आदत नहीं है कि किसी की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी करूं। मैंने आपको कहा ना कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार स्थायी है, जिन्होंने हमको समर्थन दिया है, चाहे वो बसपा हो चाहे वो सपा हो, उनका पूर्ण सम्मान हम करते हैं और साथ में मिलकर उनके समर्थन के साथ ही हम ये सरकार को चला रहे हैं और ये सरकार स्थायी रहेगी। जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, अगर कोई प्रत्याशी दौरा करके समझकर समर्थन किसी और को दे तो ये भी प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर सिंधिया बोले कि नेता अपना पक्ष जनता के समक्ष रख सकता है और टिप्पणी पर टिप्पणी करना उनकी आदत नहीं है। वहीं कांग्रेस को समर्थन देने वाले प्रत्याशी के वापसी सवाल पर सिंधिया बोले कि बसपा हो या सपा, इनका पूर्ण सम्मान करते हैं और उनके समर्थन के साथ कांग्रेस की सरकार स्थायी रहेगी। हालांकि प्रत्याशी के दूसरी पार्टी के समर्थन देने पर सिंधिया बोले कि यदि किसी और को समर्थन दें तो यह भी प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भिंड से अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट।